नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज इस महीने ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। एक हफ्ते पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ तक का बिजनेस किया है। खिलाड़ी कुमार की मूवी को फैंस से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक मिशन रानीगंज को मेकर्स इंडिपेंडेंट तौर पर प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कार के लिए भेजने वाली है। जी हाँ, ये मिशन रानीगंज और उनकी टीम के लिए बेहद ही खुशखबरी वाली खबर है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। सत्य घटना से प्रेरित इस फिल्म को समीक्षकों की खूब ज्यादा वाहवाही मिली थी। थिएटर से फिल्म देखकर निकले सभी लोग इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी ज्यादा धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। अब हाल ही में अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। मिशन रानीगंज के मेकर्स अक्षय कुमार की फिल्म को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कार में लेकर जा रहे हैं। मिशन रानीगंज की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रानीगंज कोयला खदान से 65 मजदूरों को जसवंत सिंह गिल ने कैसे रेस्क्यू किया था, इस सच्चे हीरो की कहानी को अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के जरिए दर्शकों को दिखाया। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक ऑस्कर अकेडमी में मिशन रानीगंज को इस फिल्म के मेकर्स सबमिट करेंगे। उन्होंने RRR के मेकर्स की तरह ही मिशन रानीगंज को इंडिपेंडेंटली ऑस्कर अवार्ड्स के लिए सबमिट करने का फैसला किया है। बता दें, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए देश की ऑफिशियल एंट्री मलयालम फिल्म 2018 है, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही की गई है। इस फिल्म की कहानी केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। ऑस्कर्स में 2018 इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कॉम्पीट भी करेगी। 2022 में SS राजमौली अपनी फिल्म RRR को ऑस्कर्स लेकर गए थे, जिसे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जीत कर हासिल हुई थी फिल्म के नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर अपने नाम कर लिया था। वहीं ऑफिशियल एंट्री के तौर पर गुजराती फिल्म छेलो शो को भेजा गया था, जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर्स की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई थी। मैं आपको बता दें, ऑस्कर अवार्ड का हर साल फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले साल 96 अकेडमी अवार्ड्स 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में होंगे। 10 प्रतिष्ठित अवार्ड लिस्ट में नॉमिनेशन में किस किस हॉलीवुड और इंडियन फिल्म ने अपनी जगह बनाई है, इसकी घोषणा 23 जनवरी को होगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।